ये कहानी इजाबेल नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो पैसे लेके दूसरे के साथ पलंग तोड़ने का काम करती है और ऐसा करते करते उसे एक बूढ़े क्लाइंट से प्यार हो जाता है। आगे उसके लाइफ में क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल और ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम बीच पे एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम इजाबेल था। तभी इजाबेल का भाई विक्टर उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते घर पर पहुंच गया है। ये सुनने के बाद इजाबेल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसके मॉम को पता चले। घर पहुंचने के बाद इजाबेल की मॉम उससे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को रात में घर पे बुला सकती हो, लेकिन इजाबेल अपनी मॉम से ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद इजाबेल एक बार फिर से बीच पर जाती है और वहाँ पे उसे फ्लेक्स नाम का एक लड़का मिलता है और वो इजाबेल को शाम की पार्टी में इन्वाइट करता है। शाम को इजाबेल पार्टी में पहुँचती है और वो ज्यादा एक्साइटमेंट में बीच पे ही फ्लेक्स के साथ घपाघप करने लगती है, लेकिन इजाबेल ने ये सब कुछ पहली बार किया था इसीलिए वो बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रही थी। कुछ दिन बाद इजाबेल का बर्थडे आता है और वो बर्थडे वो पूरी फैमिली के साथ मनाती है। उसके बाद इजाबेल अपने डैड के घर कुछ टाइम स्पेंड करने जाती है क्योंकि डाइवोर्स की वजह से उसकी मॉम डैड एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। कुछ टाइम बीतने के बाद जब वो कार से वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में फिलिप्स दिखता है और इजाबेल उसे देख के इग्नोर कर देती है और वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। तभी सीन स्विच होता है और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं और अब इजाबेल पूरी यंग हो चुकी थी। तभी हम इजाबेल को एक होटल रूम में जाते हुए देखते हैं जहां वो एक बूढ़े आदमी जॉर्ज से मिलती है। तभी दोनों को मिर्गी का दौड़ा पड़ता है और ये दोनों घपाघप करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इजाबेल उस आदमी से पैसे लेती है और वहां से निकल जाती है। तब हमें यहां पे पता चलता है कि इजाबेल ने धंधा करना स्टार्ट कर दिया है और वो लोगों के साथ पैसे लेके उनके साथ घपाघप करने का काम शुरू कर चुकी है और इसके बारे में इजाबेल के अलावा और किसी को कुछ पता नहीं था। फ्री टाइम में इजाबेल वेबसाइट पे जाके ये चेक करती है कि आज उसे सर्विस कहाँ कहाँ देनी है। एक दिन इजाबेल अपने क्लाइंट के साथ घपाघप कर रही थी और जब वो पैसे मांगती है तो वो क्लाइंट उसे पैसे देने से मना कर देता है और वो इजाबेल को धमकी देता है कि अगर उसने ज्यादा चापलूसी की तो मैं तुम्हारे माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये सुनने के बाद इजाबेल काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपना मन हल्का करने के लिए अपने मॉम के साथ मूवी देखने थिएटर में जाती है। तभी इजाबेल को हॉल में वही बूढ़ा जॉर्ज दिखता है के साथ उसने पलंग तोड़ा था और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसके बाद इजाबेल अक्सर उस बूढ़े आदमी से मिलने लगती है। एक दिन जॉर्ज इजाबेल को अपने कमरे में घपाघप करने के लिए बुलाता है, लेकिन ज्यादा स्टेमिना दिखाने की वजह से और ज्यादा ओवरडोज गोली लेने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है और ये देखने के बाद इजाबेल काफी घबरा जाती है और वो वहाँ से कपड़े पहन के भाग जाती है। जॉर्ज के डेथ की इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस इजाबेल के घर पहुँच जाती है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के बदौलत पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था और वो इजाबेल की मॉम को जाके उसकी सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद इजाबेल की मॉम की सांसें थम जाती है। तभी पुलिस वाले इजाबेल की मॉम को प्रूफ के तौर पर सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसके बाद इजाबेल की मॉम को भी पुलिस वाले की बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन पुलिस बस इजाबेल से पूछताछ करके उसे छोड़ देती है। लेकिन इजाबेल को पुलिस को जॉर्ज और अपने सारे कारनामे के बारे में बताना पड़ता है। घर आने के बाद इजाबेल की मॉम उसे बहुत सारी बातें पूछने लगती है, लेकिन इजाबेल अपनी माँ की किसी भी बातों का जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से इजाबेल की मॉम उसे बहुत मारती है। ये सब होने के बाद इजाबेल बहुत ज्यादा बदल जाती है और वो अपने रिलेटिव के घर में बेबी सिट का काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद इजाबेल एक दिन अपने स्टेप फादर के पास जाती है और वो दोनों आपस में नैन मटक्का करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ इजाबेल की मॉम आ जाती है और वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है। उसके बाद इजाबेल की मॉम उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाती है और उसे अपने साथ एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है, जहाँ साइकेट्रिस्ट उसे पूछता है कि तुमने ये सब काम करना क्यों छोड़ दिया, जिसपे इजाबेल उसे अपने और जॉर्ज के बारे में बताने लगती है और वो उसे ये भी बताती है कि वो जॉर्ज से प्यार करने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इजाबेल एक पार्टी में जाती है जहाँ वो एक नमूने एलेक्स से मिलती है। इजाबेल पहले से ही अपने पास को लेके बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन एलेक्स उसके पास जाके बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद इजाबेल भी पिघल जाती है और वो दोनों साथ में पार्टी इंजॉय करने लगते हैं और साथ ही साथ वो दोनों एक कुत्ता डांस करते हैं। अब ये दोनों में ज्यादा बात होने की वजह से ये दोनों एक रिलेशन में आ जाते हैं और वो दोनों साथ में घपाघप भी करते थे, लेकिन इजाबेल के पेरेंट्स को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इजाबेल की फैमिली भी एलेक्स को पसंद करती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद एलेक्स भी इजाबेल के लिए फीका पड़ जाता है और इजाबेल उससे भी ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि इजाबेल को फिर से घपाघप करके पैसे कमाने थे। अपना पुराना काम शुरू करने के लिए इजाबेल फिर से अपना पुराना फोन चालू करती है, जिसमें उसे कस्टमर के बहुत सारे मेल आए हुए थे। बहुत सारे मेल में जॉर्ज की वाइफ का भी मेल था, जो इजाबेल को मिलने के लिए उसी होटल में बुलाती है जहाँ वो जॉर्ज के साथ घपाघप किया करती थी। उसके बाद इजाबेल किसी तरह उस होटल में पहुँचती है और वो जॉर्ज की वाइफ से माफी मांगती है। तब जॉर्ज की वाइफ इजाबेल से बोलती है कि दरअसल जॉर्ज एक बहुत अच्छा आदमी था और
मुझे इस बात की खुशी है कि उसने तुमसे प्यार किया, और जब मैं जवान थी तो मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल सुंदर थी। और ये सब बोलने के बाद वो इजाबेल को उसी रूम में ले जाती है जहाँ जॉर्ज की डेथ हुई थी। वहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों बेड पे लेट जाते हैं और जॉर्ज की वाइफ इजाबेल को बिल्कुल उसी तरह छूने लगती है जैसे जॉर्ज उसे छुआ करता था। पर इजाबेल वहाँ सो जाती है, और थोड़ी देर में जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके अलावा उस रूम में और कोई नहीं है। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।